वेलकम टू अवर YouTube चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सिक्स्थ और आज की हमारी एक्सरसाइज है 3.3 पार्ट टू। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा दिस बुक इज बेस्ड ऑन NCERT एज पर CBSE गाइडलाइंस। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स हम देख रहे हैं, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें डिटरमाइन करना है प्रोडक्ट को, सिक्स डिजिट के नंबर को और स्मॉलेस्ट फोर डिजिट के नंबर को, यानी कि ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर के प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर क्या होगा, 9 को हम 6 टाइम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने 6 टाइम्स 9 को लिख दिया, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर जो कि क्या है 9,99,999। ऐसे ही स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर में क्या होगा, 1 लिख करके आगे 30 हम नोट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 जो कि फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। नाउ बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ बोथ, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इक्वल टू क्या होगा, ये नंबर लिख करके आगे 30 लगा दें क्योंकि 1000 में 30 हैं और यहाँ 1 है तो 1 इस नंबर में 1 की मल्टीप्लाई होगी, ये नंबर एज इट इज आएगा और आगे 30 हैं तो ऐसे प्लेस कर देंगे, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी, राइट। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 1376 इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट डिजिट इज 6 एंड दैट ऑफ टेंस डिजिट इज 12 फाइंड द नंबर। सो वी हैव प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट्स, जो हमारा यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट है वो कितना है, 6 है। जब दो नंबर्स की यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट 6 है तो वो नंबर क्या हो सकते हैं, 3 × 2 कर दिया होगा तब 6 हो सकता है या 6×6 हो सकता है, राइट। तो नाउ यूनिट डिजिट्स आर आइदर 3 and 2, या तो वो यूनिट डिजिट कौन कौन सी होगी, 3 और 2 होगी और 6 and 1 या फिर 6 और 1 होगी। सो प्रोडक्ट ऑफ टेंस डिजिट नंबर इस क्वेश्चन में दिया गया है 12, टेंस डिजिट की जो प्रोडक्ट है वो 12 है। सो टेंस डिजिट्स आर कौन कौन से हो सकते हैं, 4 and 3 क्योंकि 4×3=12, सो टेन डिजिट्स आर 4 and 3। Thus, the two numbers are 43 and 32। या तो वो नंबर क्या होंगे, वो जो टू नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, टेन डिजिट पे तो क्या है 4 and 3 है तो 4, और जो यूनिट डिजिट पे 3 मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 43 हो सकता है एंड 32, यानी कि ये नंबर होगा हमारा 10 डिजिट पर और यूनिट पर 2 हो गया तो कितना हो गया, 32 हो गया। या फिर और 42 and 33, 42 4 और ये वाला यानी कि 42 और ये 33। या फिर 46 दिस नंबर एंड दिस नंबर 46 and 31, और या फिर क्या हो सकता है 36 and 41। सो ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये नंबर्स हो सकते हैं हमारे। अब देख लेते हैं कि इसमें नंबर कौन सा होगा। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, इसमें प्रोडक्ट भी दिया गया है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, वो 1376 था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो फर्स्ट जो नंबर्स हमारे इसमें आ रहे हैं इनकी क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 43 and 32 जो पहला हमारे नंबर है, दोनों 43 and 32 इनके मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगर प्रोडक्ट हमारा दिए गए नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है तो हमारे ये नंबर क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायर्ड नंबर होंगे, राइट। तो 43 and 32 के आपस में मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया, 1376। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1376, सो वो यही नंबर है तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, दस द टू नंबर्स आर
43 and 32 जो कि हमारे रिक्वायर्ड नंबर हैं. ओके सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 8. ए डीलर परचेस्ड 236 वीट बैग्स इफ द कॉस्ट ऑफ ईच बैग इज 1888 देन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ऑल बैग्स टुगेदर. सो टोटल वीट ऑफ बैग कितने हैं हमारे पास 236 बैग्स हैं टोटल. कॉस्ट ऑफ वन बैग कितना है 1888 रुपीस. सो कॉस्ट ऑफ ऑल बैग्स कितना हो जाएगा दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा कितना 445,568 रुपीस टोटल कॉस्ट ऑफ द बैग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स. हमें ब्लैंक्स को फिल करना है फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ भी हमारे ये ब्लैंक्स हैं उनको हमें फिल करना है. ये क्वेश्चन है 482 में किसकी हम यानी कि 482 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा एक ब्लैंक है यहाँ पर फिर 9 है फिर ब्लैंक यानी कि जो ब्लैंक बॉक्स है फिर 8 है तो इनमें क्या इसमें आएगा ये आपको फिल करना है. देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं. 482 में मल्टीप्लाई अगर हम करें 4 की जस्ट इमेजिन यहाँ पर 8 है दिया गया तो अगर 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू जा 8 हो जाएगा तो 4 टू जा 8 ऐसी 4 8 जा 32 का यहाँ पर आ गया 2 ब्लैंक में 3 कैरी गया और 4 4 जा 16 और 1 19. ओके सो पहले ब्लैंक में कितना आ गया 1 और सेकेंड ब्लैंक में कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये जो ऊपर वाला ब्लैंक है जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना हो गया 4. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. बाकी जो पार्ट हैं करने हैं इसी तरह से योरसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू कंक्लूड इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0. राइट अगर किन्हीं भी दो नंबर्स का किन्हीं भी टू होल नंबर्स का अगर प्रोडक्ट 0 है तो आप व्हाट डू यू कंक्लूड ऑफ दिस. आइदर ऑफ टू गिवन होल नंबर्स शुड बी 0 यानी कि दोनों नंबर्स में से कोई ना कोई 0 जरूर होगा तभी उसका क्या होगा प्रोडक्ट 0 होगा. राइट कैसे एग्जांपल हम लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 क्योंकि हम किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाता है. जैसे 3 की मल्टीप्लाई 0 में कर दी तो 0 हो गया. या फिर और एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं 0 के मल्टीप्लाई अगर किसी 47 नंबर में कर दिए तो भी वो क्या हो गया 0 हो गया. अगर 0 के मल्टीप्लाई 100,000 में भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. राइट सो वी कैन से आइदर ऑफ टू गिवन होल नंबर्स शुड बी 0 यानी कि कोई ना कोई एक नंबर उसमें 0 जरूर होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें द टू होल नंबर्स विच वैन मल्टीप्लाइड बाय इट्सेल्फ गिव द प्रोडक्ट इक्वल टू द नंबर इट्सेल्फ देन व्हाट आर दोज नंबर्स यानी कि इसमें बोला कहा गया है कि वो टू होल नंबर्स कौन कौन से हैं जो आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या आता है इनका प्रोडक्ट वो अपने आप वो नंबर खुद होता है यानी कि वो नंबर कौन से हैं. सो सॉल्यूशन में वो नंबर है हमारा 1 बिकॉज क्यों क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 यानी कि दोनों 1 है होल नंबर और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी प्रोडक्ट क्या है वो नंबर खुद ही हैं. राइट सो सॉल्यूशन में आंसर क्या होगा 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 हम देखें टेक एनी टू इवन नंबर्स फाइंड देयर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट एन इवन नंबर रिपीट द ऑब्जर्वेशन फॉर टू मोर पेयर्स ऑफ इवन नंबर्स व्हाट डू यू कंक्लूड यानी कि हमें ये पूछा गया है कि हम किन्हीं भी टू नंबर्स टू इवन नंबर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो एक इवन नंबर होता है. राइट सो प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स लेट हम कोई भी टू इवन नंबर अपने पास से लेट कर लेते हैं देख लेते हैं इसको. टू मल्टीप्लाई फोर टू भी इवन नंबर है और फोर भी तो टू मल्टीप्लाई फोर किया टू फोर जा एट एट भी क्या है ऑल्सो इवन नंबर है. राइट सो इवन नंबर आ गया. अगेन टू मोर पेयर और ले लेते हैं अलग अलग. नाउ अगेन
सिक्स भी एक इवन नंबर है मल्टीप्लाई एट, एट भी एक इवन नंबर है, तो सिक्स मल्टीप्लाई एट कितना हो जाएगा 48। तो दोनों इवन नंबर्स को हमने होल नंबर्स हैं, इवन होल नंबर्स हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई किया, अब भी जो 48 आया वो भी क्या है, एक इवन नंबर है। फिर से एक दूसरा नंबर देख लेते हैं, 10 की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 12 में, 10 भी इवन नंबर 12 भी इवन नंबर, तो 10 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो क्या फाइंड होगा, 120। और 120 भी क्या है, एक इवन नंबर है। सो वी कैन से यस द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स, यानी कि टू इवन होल नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। ठीक है, तो किसी भी इवन नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, किसी भी टू इवन नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी हमेशा क्या होता है, एक इवन नंबर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द एनुअल फी चार्ज फ्रॉम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स इन ए स्कूल इज रुपीज 7,850 रुपीज। इफ देर आर इन ऑल 342 स्टूडेंट्स इन क्लास सिक्स, फाइंड द टोटल कलेक्शन। राइट, तो सॉल्यूशन में एनुअल फी चार्ज फ्रॉम वन स्टूडेंट कितना है, जो एक स्टूडेंट से एनुअल फी चार्ज होता है वो है हमारे पास 7,850 रुपीज़। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं पूरी क्लास में, सिक्स क्लास में 342। राइट, देन रिक्वायर टोटल कलेक्शन कितना होगा फीस का, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7,850 मल्टीप्लाई 342, तो ये हो गया हमारा कितना, 26,84,700 रुपीज़ इज द टोटल कलेक्शन ऑफ क्लास सिक्स। ओके, सो प्यारे बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की, बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, सॉल्व करें इसे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ।